इधर तो आओ यार, मेरे हाथों में चोट लगा ना, बाल तो ऐसे हटाओ जब भी, तो मैं कर लूँ पक्का ना, चलो क्योंकि मैं अपना कच्चा तक उसी से धुलवाता हूँ। क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप बिल्कुल बन जाओ कच्चा, तो बिल्कुल मतलब बता रहा हूँ यार। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो फिर आपका भाई एक न्यू वीडियो लेके आ गया है। तो आज का वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है, क्योंकि आज लगा है मेरे हाथ में चोट। ये तो चलते हैं यार। ओ भाटिया, कैमरा दिखा दे, दिखाएगा जब ही तो। चल ठीक है, एक्सक्यूज मी, बैठ सकता हूँ मैं? जगह खाली नहीं यार, अभी यार नहीं खाली है ना, तो बैठ यार, मतलब इंसान बैठ भी नहीं सकता यार। बैठ जाओ, वैसे और भी बेंचेस खाली हैं, आप कहीं पे भी बैठ सकते हो। वैसे नहीं, इतनी प्यारी लड़की है ना, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बैठ जाऊँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना। थैंक यू। हाय कबीर, कृपा भगवान कृपा कर रहा, लग रहा तो एक बात बोलूँ कृपा, मैं पूरे पार्क में सबसे खूबसूरत तुम्हें ही देख रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरे दिन आज पार्क में ही घूम रहा हूँ, क्योंकि आज मेरी जॉब चली गई। oh, no. हाँ, क्योंकि यार मैं थोड़ा प्रॉब्लम में चल रहा हूँ, और मेरा ब्रेकअप हो गया था कुछ दिन पहले, रिसेंट। हाँ, तो इसलिए तो यार मुझे ना आपसे काम है, क्योंकि मेरी बहन को इस बात का पता चला था, तो मैं डिप्रेशन में ना जाऊँ, तो मेरे खुश करने के लिए ना, मेरे को क्योंकि शूज से बहुत मोहब्बत है। अच्छा। तो मेरे ने एक शूज गिफ्ट करा उसने। अच्छा। तो यार मेरे हाथ में बहुत चोट लग गई, वो कुछ बांध नहीं पाऊँगा मैं, और मेरा जूता भी वहाँ पे ये हो गया था, तो यार आप जूता पहना दोगे मेरे को, मेहरबानी होगी तुम्हें। आपको पार्क में और कोई नहीं दिखा के, कोई भी पहना सकते? यार मुझे लगा कि आप पहना सकते हो, आप क्यूट भी हो, और नहीं 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 मैं पहना तो सकती, मतलब यार मेरा आपको कोई और भी मिला होगा जिसे उसको आप पहना सकते। यार मैं बहुत बंदे सबके पास से ट्राई करके आ रहा हूँ, लेकिन आप ही सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि मेहरबान हो जाओगे, इसलिए यार देख सकते हो बहुत चोट लगी हुई मुझे। और कैसे लगी चोट? यार वो है ना, मैं थोड़ा देर पहले गिर गया था, वो थोड़ा डिप्रेशन में चल रहा था, मैं देखा नहीं बीच में पत्थर था, गिर गया वहाँ से। अब मैं बहुत देर से किसी को ढूंढ रहा हूँ जो कोई अच्छी सी लड़की मिले, जिससे मैं सूज मतलब ये मुझे पहनाते हो, तो यार प्लीज पहना दो यार। बट आज ही पहनना जरूरी है आपको कभी? मतलब मैं यार आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इतना अच्छा लौंडा ऐसे ही घूम के चला जाए यार, मतलब ऐसे ही यार, तुम तो सोचो यार। आपको किसी से मिलने जाना है क्या? हाँ मिलने तो नहीं जाना है यार, घर जाना है मेरे को, और पार्क में मैं सुबह से घूम रहा हूँ। अच्छा। समझ रहो, तो यार मैं ऐसे देख रहा हूँ मेरे पैर कैसे सूज रहे हैं। हाँ। कोई मिल भी नहीं रहा ना यार, सूज पहना ले, लोंडो को बोलता हूँ तो समझ लेना, मीठा उठा ना समझ ले, इसलिए लड़की के पास जाके बोलूंगा यार कि मेरे को कोई सूज पहना दे, तो यार प्लीज पहना दो यार, कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हें? ओके मैं पहना, पहना दो यार, मेहरबानी होगी तुम्हें। अच्छा इसको खोल लो, ठीक है इसमें। हाँ आपका नाम क्या है? कृपा। कृपा, तो यार मैं ये बोल रहा था, ठीक है यार कृपा पे। हाँ तो यार इसे काफी अच्छे शूज आपकी सिस्टर ने गिफ्ट किया है। हाँ यार, क्योंकि मैं इसको है ना, आप क्या करूँ यार, करना पड़ता है यार, बहन है ना मेरी, वो बहुत मेरा ख्याल रखती है वो। अच्छा, अच्छा। उसको आपकी जैसी भाभी भी चाहिए, समझ रहे हो, जो मेरे को ऐसे ही पहना सके, ठीक है। तो यार मैं ये चाहता कि यार इतना अच्छा पहनाते हो तो यार मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ फिर यार, समझ रहो, मैं जिंदगी में चाहता हूँ ना। मैं आपकी हेल्प कर दे रही हूँ। वो हेल्प का मतलब तो वही होता ना कि जिसे जिसको थोड़ा सा मोहब्बत होता तो वो हेल्प करता है। तो यार मुझे आपसे सच बोल रहा हूँ, ऐसे में एक बात बोलूँ, आप बहुत क्यूट हो यार कृपा। तो यार मेरा मैं यही बोलूँगा कि गर्लफ्रेंड बन जाओ यार कृपा, यार इतना अच्छा सेवा करेगी मेरी तो लड़की यार, क्या बोलते हो कृपया? तुम्हारा नाम है ना बड़ी एंटिक नाम है ना, वो थोड़ा मेरे को ना बोलने में थोड़ा ये हो रहा है, क्योंकि ना ये नाम से पहली बार वाकिफ हो रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं तुम्हारा नाम प्यार से रखूंगा कल्लन, मेरे को कल्लन नाम से बहुत प्यार है, समझ रहे हो। थैंक यू सो मच यार। तो मैं ये बोल रहा था कि यार मैं आपको कल्लन बोल सकता हूँ ना प्यार से? वैसे क्यों, मेरा नाम है तो आप मेरे नाम से ही बुलाइए तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो यार मेरा दिल कर रहा है कि आप पट जाओगे मेरे से, मतलब चलो ठीक है, कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है ना। नहीं, तो यार एक काम करो यार, नंबर दे दो यार, बड़ी क्यूट लग रहे हो यार तुम यार। नंबर की क्या जरूरत है वैसे? यार नंबर की क्या जरूरत है, सच बोलूं तो यार मेरे को हेल्प मांगी, मैंने आपको हेल्प दे दी, हेल्प के लिए थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा सच में एक मोटिव था कि यार
किसी प्यारी लड़की के पास जाऊँ, आपने मेरा बहुत हेल्प किया, तो यार मेरा दिल आ गया आप पे, सच बोल रहा हूँ। वैसे मैं आपको नोटिस कर रहा था, मेरी हिम्मत नहीं कर रही थी मैं आपके पास आऊँ, लेकिन फिर भी आ गया। बोला नहीं लड़की अच्छी लग रही है नेचर वाइज, तो मैं आ गया आपके पास। तो यार प्लीज़ यार नंबर दे दो यार, गर्लफ्रेंड बन जाओ यार, हम दोनों मिलकर रॉक कर देंगे, आग लगा देंगे यार, समझ रहे हो? बोल गई ना क्या मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ क्या? नहीं यार, बहुत अच्छा। तो फिर बन जाओ यार गर्लफ्रेंड। बहुत स्मार्ट नो, आप आजकल जानते हो ना लड़के कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, हमारे जैसे होते हैं, इतने अच्छे लड़के। आप तो बहुत अच्छे हो, बट औरों के साथ, जैसे मैं किसी एक के साथ रिलेशनशिप में थी, बट उसने मेरे साथ चीट किया, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ, भी चला रहा था नहीं, तो इस वजह से ना मैं सिंगल रहना पसंद करती हूँ। सिंगल क्योंकि यार मेरी बहन भी बहुत दिन से बोल रही थी, हाँ उसने सूज गिफ्ट कर दिया और बोली तू जा तू पहन लियो, मैं बोला पहना दे, जा किसी लड़की को ढूंढ लियो पहना देगी वो। अच्छा। तो मैं यार मेरे हाथ में चोट लग गया था, वो गिर गया था मैं थोड़ा। हाँ तो यार क्या बोल रहे हो बताओ, वैसे आपकी हाथ ना बड़ी प्यारी है यार। थैंक यू। क्या बात है यार, मतलब मेरी बहन भी बोल रही थी कि एक कोई अच्छी सी लड़की देख के तो सेट कर लियो, जो भी अपना देख लिया यार, अब कब तक सिंगल रहूँगा, वो भी परेशान हो गई क्योंकि मैं अपना कच्चा तक उसी से धुलवाता हूँ, क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन तो नहीं है। आपकी गर्लफ्रेंड बन जाओ। हाँ बिल्कुल बन जाओ, कच्चा तो बिल्कुल यार, मतलब मैं बता रहा हूँ यार, क्योंकि मेरे को मेरा आजकल हाथ में दर्द हो रहा है और चोट भी लगा, तो आजकल कच्चा पहनूंगा नहीं पड़ेगा, और मेरा पता नहीं वो कौन लगाएगा, चैन वैन कौन बंद करेगा, मैं तो टेंशन में हूँ कैसे होगा वो। हाँ तो यार अब गर्लफ्रेंड बन जाओगे तो कभी बाई चांस फ्यूचर में कभी चोट लगे तो आप रहोगे ना यार कॉल करने के लिए, तो यार नंबर दे दो फिर यार, ठीक है नंबर दे दो और फिर हम बात। थैंक यू सो मच यार, अब तुम्हारा नाम कल्लम से सेव करूँगा क्योंकि मेरे को कल्लम नाम से बहुत प्यार है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। तो लग रहा हूँ ना मैं, हाँ, चल सकता हूँ ना मैं तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। तो यार मेरा एक ड्रीम है कि यार मैं किसी अच्छी से, मतलब तुम आप गर्लफ्रेंड तो बनी गए, तो यार एक चिक्स पे किस दे दो, मैं चला जाऊँगा पक्का, बिना बोले चला जाऊँगा। मतलब यार आप तो गर्लफ्रेंड बन ही गए हो यार, तो इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। ठीक है गर्लफ्रेंड तो बन ही गए हैं। हाँ तो फिर मैं आपको कभी डेट पे बुलाऊं तो आई जाओ ना, ठीक है? क्योंकि यार किस दे दो यार, मैं चला जाऊंगा पक्का, फिर बात करेंगे ना रात में 12 बजे के बाद, फ्री रहता हूँ मैं 12 बजे के बाद, फिर तो जो बात। 12 बजे तक कहाँ बिजी रहते हो? क्योंकि 12 बजे से पहले मैं जिम में रहता हूँ, इसलिए 12 बजे के बाद फ्री रहता हूँ। बाबू सोना करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, फिर मेरे बाबू ने थाना ताना करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो क्या तू किस दे दो, मैं चला गया पक्का, ठीक है अभी मेरे साथ चलना, किस दे दो साथ में चलेंगे, ठीक है कर लूँ तो मैं पक्का। चलो इधर तो आओ यार, मेरे हाथों में चोट लगा ना, अच्छा तो बाल तो ऐसे हटाओ जब भी, तो मैं कर लूँ पक्का ना। चलो